तो अभी हम सीखेंगे कपाल भाती प्राणायाम, कैसे करना है आपको वो ध्यान से देख लो और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसका। उच्छ्वासन हमने किया और एक एक्सरसाइज हमने की और हम देखेंगे प्राणायाम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको गहरी सांस लेनी है, ये जो आपका स्टमक है उससे स्टमक से अंदर स्ट्रॉक लगाना है और स्टमक से स्ट्रॉक लगाते हुए सांस को बाहर धकेलना है। कैसे है ओके तो और देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप अभी तो मैं स्टूल पे बैठा हूँ स्टूडेंट्स, आप पद्मासन में बैठोगे या वज्रासन में बैठ सकते हो ओके। पहले तो आप गहरी सांस लोगे जितनी भी हो सकती उतनी, सांस को छोड़ोगे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट थोड़ी देर आप करोगे, एकदम सांस छोड़ोगे और फिर स्ट्रोक चालू करोगे आप। ऐसे ऐसे आप नहीं करोगे डांसिंग नहीं करोगे, स्टमक से आपको स्ट्रोक लगाना है ओके। तो इसी तरह आप स्ट्रोक लगा सकते हो, बराबर सांस लेंगे ओके। तो आपको अगर सर्दी हो गई है तो मत करना, सब बाहर आ जाएगा फिर आप नहीं करोगे। स्टमक के लिए काफ़ी हेल्दी है ये प्राणायाम, बराबर अच्छी तरह करना होता है स्टूडेंट्स, और जो खाली पेट होता है तब करना चाहिए, खाने के बाद नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इसके, तो आपको ये ध्यान रखना है ओके। चलिए अगेन एक बार फिर से करते हैं, आपको अगर ये आता है तो आप करोगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं ओके। ओके तो स्टूडेंट्स स्टमक की एक्सरसाइजेस के लिए ये करना जरूरी है, कर पाओ तो करोगे नहीं तो कोई बात नहीं ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।